नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बचने के बाद तेजो लेने वाली है बड़ा फैसला। फतेह और जैस्मिन को नहीं करने वाली है माफ, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। जी हाँ, जैस्मिन के बारे में अब उसे फिर से शक होना शुरू हो चुका ही था, आप सबने देखा ही था। और अब 6 महीने बाद भी जैस्मिन को लेकर ही तेजो शक करने वाली है। वेल, मन में वो यही सोचने वाली है कि जैस्मिन ने उसे धोखा ही दिया है। वो जैस्मिन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी, और आपको बता दें उसे बार बार यही लगने वाला है कि जैस्मिन ने उसे फिर से धोखा दिया है और फतेह ने भी उसे फिर से धोखा दिया है। वेल, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि तेजो जो है बड़ा फैसला लेने वाली है, क्योंकि तेजो अपना बच्चा खो देगी। जी हाँ, ऐसी प्रेडिक्शन सामने आ रही है कि तेजो जो है वो अपना अनबॉर्न बेबी जो है वो खो देगी, और फिर माना जा रहा है कि वो बदला लेगी जैस्मिन और फतेह से। जी हाँ, जैस्मिन और फतेह से शुरू होगा तेजो का बदला। हालांकि तेजो जो है वो फतेह वाले पॉइंट्स को लेकर थोड़ी सी अभी भी क्लियर नहीं रहेगी, क्योंकि फतेह की तरफ से तो बिल्कुल भी जैस्मिन का कुछ भी नहीं है, लेकिन जैस्मिन की तरफ से तो यही है कि फतेह को वो प्यार करती है। यहाँ पर आपको बता दें, फतेह को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तेजो की तरफ से, इतनी ज़्यादा कि फतेह को अब माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है तेजो, क्योंकि उसने अपना बच्चा खो दिया। ये बच्चा फतेह और तेजो का ही था, और इसी वजह से तेजो जो है वो कभी माफ़ नहीं करने वाली है फतेह को। वेल, यहाँ पर आप देखेंगे कि फतेह तेजो के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाला है, उसके लिए गिड़गिड़ाने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जब फतेह जो है वो अपना पछतावा दिखा रहा था जब उसने प्रायश्चित की थी। अब एक बार फिर से 6 महीने बाद फतेह के सामने बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, और एक बार फिर से फतेह को तेजो के सामने अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि जैस्मिन और उसका कुछ भी नहीं है और वो उसके लिए परफेक्ट है। उसको प्रूफ करना ही पड़ेगा, तभी हो सकता है कि तेजो माफ़ करे, क्योंकि इस बार तो तेजो पूरी तरीके से टूट जाने वाली है। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें, ये जो कुछ भी सीन हुआ है, यानी कि जो ये आग लगने का सीन हुआ है, यहाँ पर भी तेजो यही सोचेगी कि ये जैस्मिन की ही साजिश थी, क्योंकि आपको बता दें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो जैस्मिन है वो तेजो को लेकर आई हुई थी। तभी तो ऐसा भी फील हो रहा है कि ये अंगद की साजिश है या फिर जैस्मिन की भी ये साजिश हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जैस्मिन को भी यही लगने वाला है कि तेजो की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर सबको लगने लगेगा कि तेजो की डेथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अंगद जो है वो तेजो को बचा लेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अंगद नेगेटिव है? फिलहाल इस बारे में जो प्रेडिक्शन सामने आ रही है उसमें कभी तो जो अंगद है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो कभी तो वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एक तरफ से ये भी देखा जाए कि अंगद ने तेजो को यहाँ पर बचाया है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तेजो जो है वो सबसे दूर जाना चाहती हो, इसी वजह से अंगद ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप यहाँ से लेकर उसे वो दूर चला गया, लंदन चला गया, जहाँ पर अंगद और तेजो दोनों साथ रहने वाले हैं, और वो भी बिना शादी के। तो भाई, आने वाला जो ट्रैक है वो बहुत शानदार होने वाला है, और आप सबको मज़ा बहुत आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।